हेलो बच्चा लोग, अ वेरी वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। योर अनुभव मैम इज बैक विद वन मोर सेशन। तो सीबीएसई 9th क्लास, ये सेशन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये है एपिसोड नंबर 6, जो कि एनसीईआरटी सॉल्यूशंस, स्पेशल एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज है। और हम इस मैटर अराउंड दिस प्योर चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, मतलब 5 एपिसोड्स ऑलरेडी आ चुके हैं। प्लीज जरूर देख लेना क्योंकि सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने पूरा का पूरा उमंग 2.0 सीरीज में आपको चैप्टर पढ़ाया, अब हम सारे के सारे एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी करा रहे हैं आपको, ताकि आपका रिविजन प्रॉपरली हो जाए। तो प्लीज डू लाइक द वीडियो, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स एंड डेफिनेटली सब्सक्राइब टू द चैनल इफ यू आर न्यू। एंड अनुभा मैम इज ऑल्सो एसोसिएटेड विद 9th इंग्लिश चैनल एज वेल। तो अनुभा मैम को वहां पे भी फॉलो करो और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो इक्वली, क्योंकि वहां पे भी बहुत सारे अमेजिंग वीडियोज, मेंटी क्विजेस होती रहती है। ठीक है स्टूडेंट्स, और वेदांतो ने फिर से एक बार प्रूव किया है दैट वेदांतो इज द बेस्ट ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म, बिकॉज वेदांतो हैज प्रोड्यूस्ड ग्रेट ग्रेट रिजल्ट्स इन आईटी एडवांस रिजल्ट्स। देखो आपके सामने है 5 इन टॉप 500, 11 इन टॉप 1000, 44 इन टॉप 2000, 121 इन टॉप 5000 एंड 253 इन टॉप 10000। इजंट इट लाइक एन अमेजिंग थिंग दैट टू अचीव? And they all are the proud Vedans, and you can also become one of them if you will just select the Vedantu platform and learn here, because learning here is so much fun. और आपको सिर्फ क्या करना है students, description box में Vedantu 19 channel ने एक link दिया है, all you have to do is to click on the link और आपको एक code apply करना है AG Pro, और आप 1 month, 3 months and 6 months के subscription में से choose कर सकते हैं whatever is best suitable to you. और ये AGPRO कोड आपको 20 से 43% तक का डिस्काउंट दे सकता है, तो चूज वाइजली, आप ही के हाथ में है। और आज क्या कर रहे हैं स्टूडेंट्स, अब हम डिस्कस कर रहे हैं पेज नंबर 29 का एक्सरसाइज 8 का क्वेश्चन है आपके सामने। आई होप आपने एपिसोड 5 देखा हो, इसका कंटिन्यूस सीरीज ही है क्योंकि तब भी हम मिक्सचर, प्योर सब्सटेंस, एलिमेंट एंड कंपाउंड को डिस्कस कर रहे थे, तो उसी के कुछ एग्जाम्पल हैं। चलो फिर शुरू करते हैं राइट अवे। आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस अमंग द फॉलोइंग मिक्सचर। अगर सॉल्यूशन की बात करो, वो होता है एक होमोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर का ही एक दूसरा नाम होता है सॉल्यूशन, आल्सो कॉल्ड एज ट्रू सॉल्यूशन। तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। मेरे पास होमोजीनस मिक्सचर फाइंड आउट करने को बोला है, तो सॉइल की बात करें स्टूडेंट्स, बिल्कुल नहीं, आपके सामने होती है सॉइल्स। हेटरोजीनस मिक्सचर है, हेटरोजीनस मतलब टू और मोर थिंग्स आर रैंडमली एडेड, और मुझे वो दिखाई दे रहा है बिकॉज देर विल बी ए नॉन यूनिफॉर्म कॉम्पोजिशन, अच्छे से मिक्स नहीं होता। और समटाइम नेकेड आई से हम उसके पार्टिकल देख सकते हैं, समटाइम विद द माइक्रोस्कोप टू। कोलॉइड और सस्पेंशन दो टाइप होती है। सी वाटर डेफिनेटली होमोजीनस है, सॉल्ट एंड वाटर। एयर डेफिनेटली होमोजीनस है, प्योर एयर की बात कर रही हूँ, बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट गैसेस मिक्सड है। कोल हेट्रोजीनस मिक्सचर है, ठीक है, क्योंकि कार्बन के साथ बहुत सारी अदर इम्प्योरिटीज होती है। सोडा वाटर जो है वो भी मेरा होमोजीनस मिक्सचर है, मेरा CO2 गैस मिक्स होता है एक स्वीटेंड वाटर में, पानी और शुगर वगैरह मिक्स होता है उसमें, ठीक है, CO2 गैस भर दी जाती है। तो ये आपके आंसर है, सॉल्यूशन भी अटैच है, तो आप PDF डाउनलोड कर सकते हो और डिस्क्रिप्शन में जाके चेक करोगे तो लिखा है PDF लिंक फॉर दिस सेशन, और उसे डाउनलोड कर लो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। और ये 29 पेज नंबर का 9th क्वेश्चन है, और टिंडल इफेक्ट स्टूडेंट्स जनरली किसकी प्रॉपर्टी होती है, कोलॉइडल सॉल्यूशन की। सबसे पहले बात, टिंडल इफेक्ट क्या होता है, दैट व्हेन एवर वी पास लाइट फ्रॉम अ सब्सटेंस दैट स्कैटर्ड, ठीक है, लाइट जो है जब भी किसी सब्सटेंस के ऊपर गिरती है वो स्कैटर कर जाती है, स्कैटर करते हमारी आंखों में पहुंचती है, और जैसे हमारी आंखों में वो लाइट उससे टकरा के आती है, हमें वो सब्सटेंस दिखता है। तो टिंडल इफेक्ट यही है, दैट व्हेन एवर लाइट विल फॉल इनटू अ सब्जेक्ट और अ सब्सटेंस, द पाथ ऑफ दैट सब्सटेंस विल बिकम विजिबल, ठीक है। टिंडल इफेक्ट इज द स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड मेकिंग द पाथ विजिबल ऑफ द सब्सटेंस, और वो कोलॉइडल सब्सटेंस की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी होती है। क्यों? क्योंकि कोलॉइडल के पार्टिकल डिस्पर्स फॉर्म में, स्कैटर्ड फॉर्म में फैले हुए होते हैं पूरे सॉल्यूशन में, हमें नेकेड आई से नहीं दिखते, और माइक्रोस्कोप से हम आसानी से उनको स्कैटर्ड फॉर्म में चेक कर सकते हैं, ठीक है।
तो सॉल्ट सॉल्यूशन होमोजीनियस है, नहीं करेगा. मिल्क डेफिनेटली कोलॉइडल है, करेगा. कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन अगेन होमोजीनियस है, नहीं करेगा. स्टार्च सॉल्यूशन अगेन कोलॉइडल है, डेफिनेटली करेगा. ठीक है, स्टार्च सॉल्यूशन का एग्जांपल राइस इन वाटर. आपने राइस उस पानी में वॉश किया, वो पानी देखना, वो स्टार्च सॉल्यूशन देता है, थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होता है. ठीक है, तो ये आंसर भी आपके सामने है. अगर आप मिस्टर बच्चन के साथ उस हॉट सीट ऑफ केबीसी में बैठना चाहते हो इस सीजन, तो डेफिनेटली पॉसिबल है. और आपको सिर्फ क्या करना है, वेदांतु आपको डाउनलोड करना है. फ्रॉम 5th October टू 18th October आपको वीक क्विज खेलना है इस प्लेटफॉर्म में. वेदांतु इज द लर्निंग पार्टनर ऑफ केबीसी 2020 दिस सीजन, और आपको बिल्कुल चांस दे सकता है टू बी देयर विद मिस्टर बच्चन. योर ड्रीम कैन बिकम ट्रू. ओके स्टूडेंट, सो डू डाउनलोड द ऐप नाउ. एक और क्वेश्चन जो बहुत ईजी है, क्लासीफाई द फॉलोइंग इंटू एलिमेंट कंपाउंड एंड मिक्सचर. एलिमेंट इज मेड अप ऑफ सेम एटम, कंपाउंड इज मेड अप ऑफ सेम मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल क्या होते हैं, जहाँ पे दो सेम या डिफरेंट जो होते हैं एटम्स वो कंबाइन करते हैं एक फिक्स रेशियो में. और कंपाउंड क्या होता है, व्हेन डिफरेंट एटम कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स रेशियो ऑफ मास, तो मुझे कंपाउंड मिलता है. जैसे कि H2O, डिफरेंट एलिमेंट इन अ फिक्स रेशियो ऑफ मास. और वो मास रेशियो आपको याद है, मैम ने पढ़ाया भी था, 1:8. 1 gram of hydrogen combined with 8 gram of water to give 9 gram of H2O, a molecule of H2O. Mixture क्या होता है, जब two or more substance randomly mix together और सबकी property मुझे मिले, that's kind of a physical change. ठीक है, sodium definitely एक element है, soil a mixture, sugar solution sugar with water a mixture, silver is definitely an element, calcium carbonate definitely a compound. Tin definitely an element, silicon definitely an element, coal क्या होता है, carbon mixed with other impurities, mixture, air homogeneous mixture, soap also mixture of so many of oils and you know certain kind of a fatty acids. ठीक है, methane CH4 CNG जो होती है compressed natural gas, उसमें यही gas होती है methane, a fixed chemical formula represent a compound. तो compound, carbon dioxide definitely a compound. ब्लड जो होता है वो होता है मिक्सचर. RBC रेड ब्लड सेल, WBC व्हाइट ब्लड सेल, प्लाज्मा, ये सब के सब ब्लड के अंदर होते हैं. ब्लड टेस्ट के रिपोर्ट में भी आता है. तो ये हो गया एक बहुत ही इजी क्वेश्चन, सॉल्यूशन अटैच है पूरा का पूरा. एक और अमेजिंग क्वेश्चन पेज नंबर 30 का, एक्सरसाइज 11. ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस. इतना इजी क्वेश्चन. केमिकल चेंजेस समथिंग दैट विल गिव यू अ न्यू सब्सटेंस विद एंटायरली न्यू प्रॉपर्टी. ठीक है, अब ग्रोथ ऑफ अ प्लांट, कोई प्लांट ग्रो कर रहा है, अपने आप तो ग्रो करेगा नहीं, वो फिजिकल चेंज कैसे हो सकता है, वो एक केमिकल चेंज है. उनके अंदर कुछ ग्रोथ हॉर्मोन्स होते हैं विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेम, तो डेफिनेटली एक केमिकल चेंज है. रस्टिंग ऑफ आयन क्या है, आयन एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन और वाटर के साथ कंबाइन कर रहा है और एक नया सब्सटेंस बना रहा है कॉल्ड एज रस्ट. उसका एक फिक्स फॉर्मूला भी होता है, हाइड्रेटेड आयन ऑक्साइड. तो नया सब्सटेंस बन रहा है, डेफिनेटली अ केमिकल चेंज. मिक्सिंग ऑफ आयन फिलिंग एंड सैंड, यू आर मिक्सिंग टू थिंग्स, डेफिनेटली अ फिजिकल चेंज. ओके, उसके अलावा कुकिंग ऑफ फूड. कुकिंग ऑफ फूड में ऐसे नहीं होता कि बस सब कुछ डाल दिया. तो अब क्या होता है स्टूडेंट्स, आपने वेजिटेबल्स डाली, ऑयल डाला, अच्छा सा तड़का लगाया एंड अदर सब्सटेंसेस स्पाइसेस एंड ऑल, दे मिक्स टुगेदर गेव न्यू सब्सटेंसेस और आपको फ्रेग्रेंस भी आती है प्रॉपरली कुक्ड, और वो एक डेफिनेटली केमिकल चेंज है. ठीक है, डाइजेशन भी एक केमिकल चेंज है, क्योंकि डाइजेशन में मैंने जो भी खाना किया खाया वो डिकम्पोज हुआ और उससे मुझे एनर्जी मिली और बाकी के सब्सटेंस, कुछ वाटर सब्सटेंस मिला और कुछ अदर सब्सटेंसेस भी मिले, तो डेफिनेटली एक केमिकल चेंज. फ्रीजिंग ऑफ वाटर, मैंने वाटर को ट्रे में डाला, आइस ट्रे में, और फ्रीजर में डाल दिया, वाटर फ्रीज कर गया, सिर्फ आइस में कन्वर्ट हुआ है, पर ये तो कन्वर्जन ऑफ लिक्विड टू सॉलिड स्टेट, फिजिकल चेंज है ना, नया सब्सटेंस नहीं बना. बर्निंग ऑफ कैंडल, जब भी बर्निंग की बात करें वो डेफिनेटली केमिकल चेंज होता है, बिकॉज यू विल ऑलवेज गेट न्यू सब्सटेंस. कैंडल को बर्न करते हो एक स्मोक निकलता है, वो क्या होता है स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड गैस कमिंग आउट. तो डेफिनेटली केमिकल चेंज है. आपके सामने ये सारे के सारे आंसर लिखे हैं. तो समझ आया स्टूडेंट्स, तो आपको क्या करना है वेदांतु सब्सक्रिप्शन के लिए, आपको जाना है 9-10 चैनल के वेबसाइट पे, नहीं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है उस पे क्लिक करना है
और AJPRO कोड लगा देना है अपना टारगेट एंड अपनी क्लास सेलेक्ट करके, ठीक है? ऑसम ऑसम। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया, मैम ने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी, आपका रिविजन अच्छे से हो रहा है। तो लाइक द वीडियो, शेयर इट टू योर फ्रेंड्स, उनका रिविजन भी होता रहे, ठीक है? शेयरिंग इज केयरिंग, और डेफिनेटली सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया हो तो, काइंड ऑफ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो मैम मिलेगी आपको नेक्स्ट सेशन में विद सम मोर एपिसोड्स, तब तक के लिए डू फॉलो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।